इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से ताज़े बरतानिया इस कदर कमज़ोर हो गई कि वो हिंदुस्तान पर अपना कब्जा बरकरार रखने के काबिल ना रही। उसकी फौजें जंगों में इतनी तबाह हुई, नतीजतन जब हिंदुस्तान के अंदर इंडियन आर्मी ने बगावत की 1946 में, एक बड़ी इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई और उसके बाद जगह जगह फौज में बगावतें शुरू हो गई और सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी, जो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन आर्मी में इतना ज्यादा आ गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक खुल्लम खुल्ला बगावतें शुरू हो गई। और साथ साथ ये वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने कायदे आजम जैसी हस्ती, अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती, तहरीक पाकिस्तान 1940 में ये मूवमेंट और सब कुछ, सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अल्लाह ताला साथ साथ कर रहा था। तो एन इसी वक्त कि जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का कयाम वजूद में लाया, उसके कुछ अरसे के बाद वो जहर पैदा हुआ जिसका तरियाक अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया था। इसराइल की रियासत पाकिस्तान बनने के एक दो साल के बाद, 48 में वो बने, 47 में हम बने। और उसके बाद इसराइलियों ने आहिस्ता आहिस्ता कत्लेआम करके जगह पे कब्जा करना शुरू किया। इसराइल दुनिया की वाहिद सो कॉल्ड रियासत है जिसका कोई नक्शा डिफाइंड नहीं है अभी भी। वो उनके झंडे पे जरूर बना हुआ है कि दरियाए फरात से लेकर दरियाए नील तक दो नीली लकीरें जो आप देखते हैं, वो कि इस पूरे इलाके पर हमने अपनी रियासत कायम करनी, लेकिन वैसे ऑफिशियली उनका कोई नक्शा नहीं है क्योंकि वो कब्जे की जमीन है सारा। ये सारा माफिया ग्रुप है जो जमीनों पर फलस्तीनियों के कब्जा करके फैल रहा है। तो अल्लाह ताला ने 47 में पाकिस्तान को बनाया, 48 में इसराइल का वजूद इन यहूदियों ने, जिसको उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने, फाउंडिंग फादर्स ने, कायदे आजम ने इसको डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम्स का, अल्लामा इकबाल ने कहा इट्स द वेस्टर्न आउटपोस्ट एट द गेट्स ऑफ द ईस्ट। ये हमारे बुजुर्ग इस खतरे को समझते थे कि इसराइल की रियासत अगर एक दफा कायम हो गई और इधर हिंदुत्वा रियासत हुई तो दोनों के दरमियान ये मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल कुचल के रख देंगे। और आज एग्जैक्टली यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से इसराइली रियासत कायम हुई, इन्होंने अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और वो आप आज भी देख रहे हैं कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के नाम पे इन्होंने पूरी अमेरिकन पावर को इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, नेटो की फोर्सेज को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। कमाल का जहन, फितनागर जहन है इन यहूदियों का कि इन्होंने ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया को तबाह करवाने के लिए और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब तारीख के ऐसे मौके पर हम दाखिल हो चुके हैं कि जब कॉन्फिडेंस हो गया अब इसराइलियों को, यहूदियों को, कि अब हम बराह रास्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, मगर फिर भी इनको किसी मजबूत बाजू की जरूरत थी और इसके लिए इन्होंने चाइना पर इन्वेस्ट किया। ये अजीब सी बात लगेगी बहुत सारे पाकिस्तानियों को, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है ना हमारा खून शेयर करता है, वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ और चीन का जो मॉडल इस वक्त डिक्टेटोरियल मॉडल जो है पूरी दुनिया में सुपर सर्वेलेंस का, हाई टेक्नोलॉजी का, वो मॉडल इसराइली चीन को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में नाफिस करना चाहते हैं। पहले ये ताजे बरतानिया से चिपक गए थे जाके, उसका खून चूसते रहे, फिर अमरीकी एम्पायर के साथ इन्होंने उसका खून चूसा और उसको इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अब ये चीन के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके, मगर उससे पहले इनको मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ और तबाही करनी है। इन्होंने जो मिडल ईस्ट में जो तबाहियां की हैं उसका मकसद यही था कि जो मिलिट्री थ्रेट है इसराइल को वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो चुका। अब डीपॉपुलेट किया जा रहा है मिडल ईस्ट को, जो हिजरत करके लाखों महाजर निकाले जा रहे हैं इराक से और शाम से और मुसलमान मुल्कों से। और अब जो तीसरी वेव आई है कि जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो टीके लगा के मुस्लिम दुनिया को खत्म किया जाएगा, और चौथी वेव बिलाखिर एक फाइनल जंग की भी होगी जिसको मलहमतुल कुबरा कहा गया। तो इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं वो दौर ऐसे मकाम पर आ चुका है कि मुस्लिम दुनिया का जो मशरकी दरवाजा है उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर रहा और जो मगरबी दरवाजा है उसकी हिफाजत तुर्की के पास है। बीच में मुस्लिम दुनिया तकरीबन खत्म हो चुकी है
और इस तहजीबी तसादुम में पाकिस्तान को ये टकराएंगे बराह रास्त भारत के साथ, और भारत की पुष्टपनाही पर इसराइल, अमेरिका और बची कुची जो यूरोप की ताकतें हैं वो खड़ी होंगी। और इस तसादुम के नतीजे में अल्लाह न करे पाकिस्तान को अगर चोट लगती है, तो फिर इसराइल के लिए आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा कि मुस्लिम दुनिया में कोई और एटमी ताकत बाकी नहीं बचेगी जो इसराइल को रोक सके। ये जो तज्जिया हम आपके सामने कर रहे हैं, इसको अल्लामा इकबाल आज से 100 साल पहले बहुत वाज़े अंदाज में बता चुके हैं। एक जमाना था जब दुनिया को कहा जाता था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक है और कैपिटलिस्ट ब्लॉक है और कम्युनिज्म रियल थ्रेट है मगरब के लिए। उस वक्त इकबाल ने फरमाया था, इबलीस की मजलिस से शूरा उठा के देखिए, इबलीस अपने मुशीरों को यह बात वाज़े करता है कि फितना फरदा मजदकियत नहीं इस्लाम है, कि आने वाले दौर में जो हमें थ्रेट होगा इबलीस के पूरे निजाम को, वो कम्युनिज्म से नहीं होगा, इस्लाम से होगा। और इस्लाम कायद आजम के अल्फाज में पाकिस्तान इज अ बुलवर्क ऑफ इस्लाम, हम इस्लाम का किला है। डेविड बिन गोरियन ने 1948 में अपनी कौम को नसीहत की थी कि हमें अब अरबों से खतरा नहीं है, हमें अरबों के दोस्तों से खतरा है, यानी इशारा उनका पाकिस्तान की जानिब था, क्योंकि इस पर साया खुदा जुल जलाल और साया सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पाकिस्तान में डंडे वाली सरकार भी आएगी, वो मुजाहिद भी आएंगे कि जो अल्लाह के इस दीन को और हुक्म को नाफिज करेंगे, जो गजवा हिंद करेंगे, जो दिल्ली फतह करेंगे, और बाद में जाकर ये बैतुल मुकद्दस शरीफ को भी आजाद करवाएंगे, कोई चाहे या ना चाहे ये होकर रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी तरह जान ले कि जो इस तकदीर की राह में रुकावट बनेगा अल्लाह उसको रुसवा करके रोन देगा, जैसे उन बगदादियों को और ख्वारज़मशाहियों को और सलीबियों उन 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 अयूबी रियासत वालों को और ख्वारज़मशाह वालों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया जो अल्लाह के मिजाज को न समझ सके वक्त पर। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है हमारे पास, आंखों से भी नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया में जो आलमी तसादुम होने जा रहे हैं इसके अंदर एक फैसला कुन जंग पूरी दुनिया में मुसल्लत हो चुकी है, और उसका अस्करी बाजू, एक अस्करी मिलिट्री क्लैश, उसका फिलहाल तो बायोमेडिकल टेररिज्म है, इस वक्त तो तिब्बी दहशत गर्दी, मईशत तबाह की जा रही है, इकोनॉमिक टेररिज्म है, लेकिन बिलाखिर इन सब के नतीजे में ये एक खौफनाक फैसला कुन अस्करी जंग की तरफ भी बात जा रही है। पाकिस्तानी कौम इसकी तैयारी करे, ये तुम्हारा नसीब है, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी हुई है, इस इज्जत को इनकार ना करो वरना बड़े रुसवा किए जाओगे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हुब्ब दुनिया व कराहियत अल मौत में मुब्तला होकर रुसवाई कबूल ना कर लेना। अल्लाह ने मोमिन के लिए सिर्फ दो रास्ते रखे हैं, सआदत की जिंदगी है या शहादत की मौत है, या वो गाजी होगा या वो शहीद होगा। अल्लाह हमको सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महाफिज बनाए, गजवा हिंद में शरीक करे। अगर हमें शहीद करता है तो गजवा हिंद के शहदा में शामिल फरमाए, वरना हमारे हाथों अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को रुसवा करवाए। ये नसीब पाकिस्तानी कौम और पाक फौज का है, जितना जल्दी वो इसको कबूल कर लेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, इसराइल को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, जो पाकिस्तानी मीडिया इस समय मतलब कॉमेडी कर रहा है, वो मैं आपको रोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसी में एक आज का नया वीडियो है। तो आज के वीडियो में जैद हामिद बड़ा सीरियस होके बात कर रहा है, पता नहीं बहुत सारी हिस्ट्री की बातें करी हैं इसने, कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसमें इंडिया को भी ले लिया इसने, और अब गजवाए हिंद भी इसने ले लिया, और इसराइल को लेकर आखिरी जंग होगी ये यहूदी और मुस्लिम की, पता नहीं क्या बकवास करी है इसने। तो गाइज़ आपको बता दें, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं हसन साज, ये हैं यूएई के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्लूटेक है इनका, और ये ट्विटर पर है। इन्होंने ये एक ट्वीट किया था, हु ब्रॉट दिस इनसाइड द होली मॉस्क, मतलब जो अलास्का मॉस्क है उसके अंदर ये पत्थर लाए गए थे, देख सकते हो पत्थर के साइज़। तो ये पत्थर लाए गए थे नमाज पढ़ने से पहले, और नमाज पढ़ने के बाद ये पत्थर बरसाए गए इजरायली फोर्सेस पर, अभी ईद के चार पाँच दो तीन दिन पहले। उसके बाद से ये हंगामा हुआ शुरू, और ये हंगामा तो शुरू किया था फिलिस्तीन ने पत्थर से, और इसराइल अब ये ख़त्म कर रहा है। आप देख रहे हो कैसे अब इसराइल इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा रहा है कि उससे बहुत सारे ये पत्थर बना सकते हैं ये लोग, और उसी से लड़ सकते हैं। तो गाइज अब रॉकेट भी बहुत सारे दागे गए हैं फिलिस्तीन की तरफ से, लगभग 2500 रॉकेट दागे गए हैं।
तो ये जो इनके पीछे देश खड़े हैं जो बहुत रोना रो रहे हैं, आप देख रहे हो पाकिस्तान, टर्की, ईरान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमान, श्रीलंका, इन ये स्पेशली देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है। तो इन देशों से मैं बोलूँगा कि आप अपनी एक सेना बनाओ, एक ही मतलब कोई यूनिटी फोर्स जो भी है, और भेजो ना आप ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी मीडिया जो बड़बड़ कर रही है, भेजो आप इसराइल। तो मतलब आप अगर बात माने तो पाकिस्तान के किसी छोटे शहर, कराची और लाहौर तो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कोई छोटा शहर हो जैसे कोई रावलपिंडी की शायद आबादी इसराइल के बराबर हो, और एरिया भी मतलब अगर देखें आप तो इसराइल का कराची से थोड़ा ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा एरिया होगा, और क्या है। तो आप करो ना कुछ दम है तो, ये टाइम पास कर रहे हो रोज, हम मुस्लिम उम्मा 55 ममालिक की फोर्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे करने वाले करते हैं बोलते नहीं है, तो करो फटाक से, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो गाइज ये पाकिस्तानी अभी इस समय बस एक ही बात, तुर्की के साथ हमारी बात चल रही है एक फौज बनाने की, ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है। और यूएई, यूएई आप समझ सकते हो सबसे मतलब अगर इस्लाम का सबसे मेन देश है जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, यूएई कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया कह रहा हूँ, ये जो अरब देश हैं, ये मतलब ये लोग ने भी बोल दिया है कि आप जो हमास के लीडर हैं, सॉरी हमास कह रहा हूँ मैं, फिलिस्तीन के जो लीडर हैं और इसराइल के लीडर हैं, पॉलिटिकल डिस्कस करें, ये सब बंद कर दें, मतलब उनका ये स्टैंड है। और बाकी ये मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, इनका गाना चल रहा है 55 देशों की फ़ौज बनाकर इसराइल पर हमला कर दो, इस तरीके की बातें हो रही हैं। और इस वीडियो में आपने देखा जैद हामिद, वही पागलपन, गजवाए हिंद फिर आ गया ये गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हो, आप इनकी कॉमेडी इन्जॉय करो, वीडियो इन्जॉय करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। तो गाइस इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, प्लीज़ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।